हमने ले लिया है ऑनलाइन 60 रुपीज पर पर्सन। यहाँ पे हमारी चेकिंग होने के बाद हम अंदर जाएंगे। अब हम कुछ ही देर में अंदर जाने वाले, हमारी चेकिंग पर सब हो चुकी है और हमें ये मिला है धागा, हमें इसे शूज पे लगाना होता है। अब हम बहुत जल्द अंदर पहुँचने वाले हैं और आपको दिखाएंगे कि क्या चीज हो गई। चेकिंग हो गई। चलिए हम आपको पूरे यहाँ पे शोर बहुत है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारा दूसरा गेट है। हमने पहला वाला गेट पार कर लिया है और ये देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये वाला गेट। और यहाँ पे कितने सारे गार्डन है और ये देखिए हमारी शैरोन यहाँ पर खेल रही है। और यहाँ पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, मतलब इतना रश हो रहा है तो आज ताजमहल तो हमने देख ही नहीं पाया। देख सकते हैं आप कि यहाँ पे कितने सारे लोग आए हैं हमारी तरह ताजमहल को देखने के लिए। ये देखिए कितनी भीड़ हो रखी है और हम लोग यहीं बाहर ही इंतजार कर रहे हैं अभी थोड़ा भीड़ कम होए। चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं हमारी सेकंड एंट्री गेट पे। फ्रेंड्स, आपको इसी गेट से ताजमहल दिखने लग जाएगा। फ्रेंड्स, ये बार बताऊं, ताजमहल के पैर भी होते हैं। अब आपको तो झूठ लग रहा होगा। अब सुनो, हम इसके जितना भी अभी आपको ये पास दिख रहा होगा ना ताजमहल, हम इसका जितना भी पास जाते जाएंगे ना वो हमसे दूर जाते रहेगा। एक बार आप भी आना फिर देखना। अभी देखो कितना पास दिख रहा है। अब हम जैसे ही पास जाते जाएंगे वो हमें दूर दिखेगा। देखिए इस गेट को, ये अंदर से कितना अच्छा बना हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है। मैजिक फ्रेंड्स, ये देखो अब धूप कितना दूर लग रहा है। अब ये देखो, मैं आपको पीछे की बात बताई थी वो कितना पास लग रहा था ना, अब धूप कितना दूर लग रहा है ना मैजिक।
हम लोग ताजमहल की ओर निकल पड़े हैं और यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है। यहाँ पे रोज लाखों के हिसाब से भीड़ आती है और ये 7 अजूबों में से एक अजूबा है। ये दुनिया का मोस्ट ब्यूटीफुल पैलेस है और यहाँ पर ज़्यादातर टूरिस्ट भी आते हैं। ये देखिए नीले रंग का पूल कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे हमारा कई दिनों से मन था कि हम ताजमहल घूमने आए, अब हम फाइनली आगरा आए हमारी दादी से मिलने, तो हमने ताजमहल जाने का प्लान भी बनाया। यहाँ पे ये देखिए शरण कितना मस्ती कर रही है, हम इसे पकड़ रहे हैं लेकिन ये पूल में जाने की जिद कर रही है। यहाँ पर फुहारे भी चल रहे थे, ये धीरे धीरे चल रहे हैं, ज़्यादा कैप्चर नहीं हो पाए। ताजमहल शाहजहां ने अपनी बीवी मुमताज के याद में बनवाया था, इसलिए ताजमहल का नाम उनकी बीवी के नाम पर रखा गया है। देख सकते हैं कि हम लोग गेट से कितनी दूरी पर आ चुके हैं। ये देखिए ये रहा सामने गेट और हम जितना डिस्टेंस अभी तक कवर किया है, ये देखिए यहाँ पर ताजमहल अभी भी हमसे इतना दूर है। अभी हमें और चलना होगा ताजमहल की ओर। अभी हमको जब हम गेट पे खड़े थे, जब हमने देखा था तब लग रहा था कि ताजमहल बिल्कुल हमारे पास है, लेकिन अब हमने देखा है जब हम चल रहे हैं तो ताजमहल इतना ज़्यादा दूर लग रहा है। यहाँ पर बहुत भीड़ थी तो हम और ज़्यादा अंदर ही दबे चले गए थे बार बार। अब हम धीरे धीरे पास आते चले जा रहे हैं ताजमहल के। अब हम ताजमहल के बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं और अब ताजमहल देखने का लुत्फ उठाइए। देखिए ताजमहल का फाइनल लुक कितना सुंदर और प्रिटी और ब्यूटीफुल लग रहा है ये ताजमहल। यहाँ पर देश विदेश टूरिस्ट यहाँ पे घूमने आते हैं और यहाँ पे ये देखिए स्टूडेंट्स भी आए हैं पिकनिक बनाने के लिए। यहाँ पे हमने कई सारे स्टूडेंट से मिले भी थे, हमें यहाँ बहुत मज़ा आया। ये जगह अब हम इसके पीछे आ चुके हैं ताजमहल के। सनसेट देखिए, यहाँ पे सनसेट हो रहा है। इसके ताजमहल के बगल में ही एक यमुना नदी है। और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये जो चीज़ है इस पर हाथ मारने से पानी निकल कर आता है, हल्की सी छींटे आती हैं उस पानी की। इसे अब सील कर दिया गया है ताकि अब इसके कोई पास ना आ सके, पहले इसको सील नहीं किया गया था। ये देखिए यहाँ पर हमारी यमुना नदी है। अब मैं आपको यमुना नदी दिखाने चल रही हूँ। ये देखिए कितनी ज़्यादा सुंदर और ये लंबी है ये हमारी यमुना नदी। ये देखिए कितने बड़े एरिया में ये ताजमहल बना हुआ है। देखिए हमारे शहरों को, वो कितने मजे कर रही है। इतनी बड़ी जगह देखकर वो हमारे पास आ ही नहीं रही है। ये देखिए कितनी ज़्यादा मस्ती कर रही है वो। ये देखिए हमने वहाँ पे फोटोग्राफर से कुछ फोटोज क्लिक कराई थी, ये हमारी कुछ फोटोज हैं।
लुक दिखा चुके हैं ताजमहल का, और ये हमारा पीछे का साइड है। हमने आपको पूरा नदी वगैरह सब कुछ दिखा दिया है। तो अभी इवनिंग हो चुकी है, हम लोग अभी ऊपर इसलिए नहीं गए, बहुत शाम हो चुकी है। तो हम अगली बार आएंगे तो हम आपको ऊपर का भी दिखाएंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।